हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फूड कार्ट। आज हम बनाने वाले हैं मूंगफली कतली। मूंगफली कतली देखने में तो आपको काजू कतली की तरह दिख रही है, बनाने में भी बहुत आसान है, खाने में भी काजू कतली से कुछ कम नहीं लगती। आइए इसे कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या सामान लगेगा हम देखते हैं। मूंगफली कतली बनाने के लिए हमें, अगर हमारा नाप बिल्कुल सही होगा तो हमारी कतली कभी नहीं बिगड़ेगी। तो हमें मूंगफली दाने मैंने दो कटोरी मूंगफली दाने लिए हैं। अगर हम दो कटोरी मूंगफली दाने लेते हैं तो एक कटोरी हम लेंगे चीनी और उससे जस्ट हाफ लेंगे मिल्क पाउडर, यानी दूध पाउडर, हम कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। और जितनी हमने चीनी ली है उससे ही आधा हम लेंगे पानी, और एक चम्मच के करीब हमने लिया है घी। बस इतनी ही बेसिक चीज़ों से हम बनाने वाले हैं इतनी शानदार नरम नरम और बहुत ही टेस्टी मूंगफली कतली। सबसे पहले हम मूंगफली दाने भूनेंगे, तो हमें ये बिल्कुल धीमी आंच पे भूनना है। ये मूंगफली के छिलके हैं, इनके ऊपर निशान नहीं आने चाहिए, मतलब मूंगफली का टेस्ट बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए, तभी ये काजू कतली से मिलती जुलती लगेगी। अगर मूंगफली दाने हमारे तेज सिक जाएंगे या डार्क हो जाएंगे तो टेस्ट चेंज हो जाएगा, इसीलिए इसे बिल्कुल धीमी आँच पर भूनें। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन बहुत अच्छे भून जाते हैं। देखिए हमारे मूंगफली दाने भुन गए हैं, एक छिलका उतार कर आप इस तरह से देख सकते हैं। अगर छिलका उतारने लगे मतलब परफेक्ट भुन गए हैं। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ, इन्हें हम ठंडा कर लेंगे और छिलके उतार लेंगे। देखिए मैंने मूंगफली दाने के सारे छिलके निकाल लिए, अब हम इसे पीसने वाले हैं। तो पीसने के लिए मैं इसे एक जार में डालूँगी और इसे बिल्कुल महीन पीसूँगी। लेकिन इसे पीसना हमें ऐसा डायरेक्ट नहीं पीसना है, हमें मिक्सी बार बार बंद चालू कर कर के पीसना है, क्यों नहीं तो ये मूंगफली जो है ये अपना ऑयल छोड़ देगी और कतली बिल्कुल टेस्टी नहीं लगेगी, इसलिए हमें इसे रुक रुक कर ही पीसना है। देखिए मैंने मिक्सी को ऑन ऑफ करते हुए पल्स मोड में चलाकर एकदम बारीक पीस लिया है। अब मैं इसे बोल में डाल देती हूँ। अब इसमें हम दूध पाउडर मिक्स कर देंगे और इसे एक साइड रख देंगे। अब हम बनाते हैं इसकी चाशनी। चाशनी बनाने के लिए हम आधा कटोरी पानी पैन में लेंगे और उसमें डाल देंगे चीनी। अब हमें चीनी मेल्ट होने देना है और इसे चलाते रहेंगे। ये चीनी अच्छी तरह से घुल गई है, हमें इसकी चाशनी नहीं बनाना है, बस चीनी घुल जाए और ये अच्छे से उबलने लगे, फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये हमारा मूंगफली का पाउडर डालते जाएंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बाकी सारा भी मैं डाल देती हूँ। अब इसे हमें थोड़ी देर पकाना है, इतनी देर पकाएंगे हम इसे कि ये और पकते हुए किनारे छोड़ने लगेगा। हम इसे कंटिन्यू चलाते जा रहे हैं, इतनी देर से मैं इसे चला रही हूँ, करीबन 7-8 मिनट हो गया है, ये गाढ़ा होने लगा है हमारा मिक्सचर। अब हम इसमें डालेंगे घी। मैंने इसे घी से इसमें सॉफ्टनेस और शाइनिंग आएगी, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं गैस को कर दूंगी बंद और इसे इसी तरह कंटिन्यू चलाते हुए थोड़ा ठंडा होने दूंगी, यानी गुनगुना होने तक मैं इसे कंटिन्यू चलाऊंगी, नहीं तो इसमें पपड़ी बन जाएगी और पपड़ी बनने पर ये अच्छी नहीं बनेगी। तो हम बाद में क्या करने वाले हैं ये मैं अभी आपको ठंडा होने पे बताती हूँ, जब तक मैं इसे घुमा के ठंडा कर लेती हूँ।
देखिए इसे कंटिन्यू चलाते हुए इस तरह से ये ठंडा हो गया है, और अब हम जैसे रोटी के लिए आटा लगाते हैं वैसा इकट्ठा हो रहा है। आप देख रहे होंगे पूरा पैन साफ हो गया है और ये एक जगह इकट्ठा हो गया है। अब ये गुनगुना हो गया है, तब अब हम इसको बेल सकते हैं। तो इसके लिए मैं थाली रेडी कर लेती हूँ। इसे साइड मैंने एक थाली ले ली है, थाली को मैंने उल्टा कर दिया है और मैं इसमें घी लगा दे रही हूँ। तरह से घी से चिकना कर देंगे हम, और एक बेलन लेकर उसे भी घी अच्छे से लगा देंगे क्योंकि उससे हम बेलेंगे। ये थाली पूरी ग्रीस कर दी है मैंने, मैं बेलन भी कर ले रही हूँ। अब हम मिश्रण को इस पे रखकर इस तरह से पहले तो फैला लेते हैं फिर बेल लेंगे। अब आपको इसकी मोटाई उतनी रखनी है जितनी काजू कतली की होती है, ना ही बहुत ज़्यादा हमें मोटा बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा इसे पतला करना है। अब एक चाकू की हेल्प से हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से हम जितने बड़े चाहे उतने बड़े पीस के निशान लगा के इस तरह से कट करेंगे। इस तरह के से हम इसे कट कर लेंगे। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी मूंगफली कतली बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें कि आपकी कतली कैसे बनी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।